गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आप पढ़ रहे थे कवक, और कवक के अंतर्गत हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था राइजोपस। आज उसी में आप पढ़ेंगे ईस्ट या सैक्रोमाइसीज। तो हेडिंग डाल दीजिए ईस्ट या माइक्रो या सैक्रोमाइसीज, दीजिए सैक्रोमाइसीज, ईस्ट या सैक्रोमाइसीज। इसमें खाली इसमें आपको यही लिखना है ईस्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईस्ट क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे। देखिए ईस्ट का वर्गीकरण, ईस्ट का वर्गीकरण सबसे पहले लिखेंगे जगत। जगत इसका क्या है? माइकोटा। जगत माइकोटा, प्रभाग इसका प्रभाग है यूमाइकोटा। यूमाइकोटा नंबर थ्री उपप्रभाग, नंबर थ्री उपप्रभाग एस्कोमाइकोटिना। इसके बाद वर्ग, वर्ग है हेमी एस्कोमाइसिटी, हेमी एस्को माइसिटी, एस्को माइसिटी। अगला है गण, एंडो माई सिटेल्स। इसके बाद है कुल, कुल है सैक्रोमाइसीज। सैक्रोमाइसीबेसी और इसके बाद है बंस, सैक्रोमाइसीज। नोट कर लीजिए इसे। देखिए यानी कि ईस्ट का ये वर्गीकरण है, ईस्ट में जगत है माइकोटा, प्रभाग है यूमाइकोटा, उपप्रभाग है एस्कोमाइकोटिना, वर्ग है हेमी एस्कोमाइसिटीज, गण है एंडोमाइसिटियल्स, कुल है सैक्रोमाइसिटियसी, वंश है सैक्रोमाइसीज। ठीक है, चलिए अब इसके आगे के भाग में लिखेंगे। लिखिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मुख्य लक्षण, मुख्य लक्षण और मुख्य लक्षण में लिखेंगे सबसे पहले आवास, यानी कि इसका आवास कैसा है, ये कहाँ रहता है। ठीक है, लिखे ईस्ट सवर्ग स्थानों पर पाया जाता है, ईस्ट सर्वत्र स्थानों पर पाया जाता है। सर्वत्र का मतलब क्या होता है? सब स्थानों पर पाया जाता है। यह सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर, यह सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर, यह सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाने वाला, पदार्थों पर पाए जाने वाला मृतोपजीवी कवक है। पाए जाने वाला मृतोपजीवी कवक है। इनकी वृद्धि, इनकी वृद्धि ऐसे माध्यम में होती है, इनकी वृद्धि ऐसे माध्यम में होती है जिनमें, जिसमें शर्करा
अथवा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जिसमें शर्करा अथवा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसमें शर्करा अथवा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है, जैसे गन्ने का रस, दूध व फल, अंगूर एवं खजूर आदि, तो देखिए आवास में सबसे पहले इससे आपसे परिचित हुए, आपको समझ में आया कि इसमें क्या बताया गया कि खट्टे पदार्थ, यानी कि दूध अगर फट जाता है तो कैसा हो जाता है, खट्टा, गन्ने का रस, अंगूर और खजूर, ठीक है। तो इसका ये आवास है कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, ईस्ट। इसकी अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संरचना, पहला पॉइंट ये था, सेकंड है संरचना, संरचना में लिखेंगे सैक्रोमाइसीज को सामान्यतः ईस्ट कहते हैं, यह एक विकसित सदस्य है, इनमें कवक जाल का निर्माण, नहीं होता है, यह गोलाकार, अंडाकार, व लंबी आकृति की एक कोशिकीय, रंगहीन कवक होती है, जिसका व्यास 2 से 8 μ, तथा लंबाई 3 से 15 μm तक होती है, अगली लाइन से लिखेंगे, ईस्ट की कोशिका भित्ति में स्थित जीवद्रव, दो भागों में विभेदित होता है, इसके बाह्य भाग को सघन कहते हैं, जबकि आंतरिक भाग, मोटा तथा सूक्ष्म रेशों का बना होता है, जिसे
अंतः प्रादुर्भाव कहते हैं, जिसे अंतः प्रादुर्भाव कहते हैं। फिर लिखेंगे कोशिका के जीवद्रव्य में, यानी कोशिका के जीवद्रव्य में अनेक कोशिकांग होते हैं। कोशिका के जीवद्रव्य में अनेक कोशिकांग होते हैं, जैसे राइबोसोम, कौमा अंतः प्रादुर्भवी जालिका, कौमा माइटोकॉन्ड्रिया, तथा गोल्जी काय आदि, इसके अतिरिक्त इसमें तेल की बूंदें, कौमा बसा आदि भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपने ये लिखा, इसके बाद हम आपको इसकी संरचना बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ग्लाइकोजन, ये जो आप देख रहे हैं ये भाग क्या है, ग्लाइकोजन है, और ये जो भाग बाहरी है इसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। सभी बच्चे जानते हैं इसे क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति। और इसके बीच में जो पदार्थ भरा होता है वह कहलाता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य।
इसी प्रकार से ये आपका होता है गहरे रंग का रंगा तंतु, गहरे रंग का रंगा तंतु। ये जो पदार्थ होता है वह होता है रिक्तिका। रिक्तिका और इस प्रकार से ये जो बूंदे होती है वह होती है वर्षा की बूंदे। वर्षा की बूंदे और ये जो होता है जो होता है केंद्रक। और इसके जो आप भाग देख रहे हैं ये सब भी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी क्या भाग है माइटोकॉन्ड्रिया। आप तरीके से इस संरचना को बना लीजिए, ये इसकी संरचना है। बना लीजिए इसका नाम है सैक्रोमाइसिस की कूल कवक जाल, ईस्ट की सूक्ष्मदर्शी संरचना। ये क्या है ईस्ट की सूक्ष्मदर्शी संरचना। ईस्ट की सूक्ष्मदर्शी संरचना बना लीजिए। सभी लोगों को ये बनानी है। इसमें एक संरचना और है जो कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा है, लेकिन वो भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन आपको सिर्फ एक यही संरचना बनानी है ईस्ट की सूक्ष्मदर्शी संरचना। कल हम इसके आगे का भाग पढ़ाएंगे, यानी कि ईस्ट में जनन। ईस्ट में जनन किस प्रकार से होता है वो हम आपको कल अगली क्लास में बताएंगे।